दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा, शमी और पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा के एक फैसले ने पूरा मैच तो पलटा ही, साथ ही उसके साथ में शमी की रफ्तार और हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी से भी भारतीय टीम ने आज पाकिस्तानियों की कमर तोड़ कर रख दी। कैसे रोहित की चतुराई और शमी की तूफानी गेंदबाजी के आगे पाकिस्तानी हाथ जोड़ने लगे और कैसे पांड्या ने एक ही ओवर में अपने तूफान से पूरी पाकिस्तान को झुका दिया, आपको उनकी गेंदबाजी का वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शमी पांड्या और भुवनेश्वर कुमार व अर्शदीप में कौन बेहतर है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिस मुकाबले का पूरे साल से हमें इंतजार था, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में वो शुरू हो चुका है और शुरुआत भी कुछ ऐसी दमदार है। ऐसे धमाके किए हैं भारतीय टीम ने कि गूंज ऑस्ट्रेलिया से सीधा पाकिस्तान पहुंची होगी। दोस्तों, इस मैच को देखने के लिए 100,000 दर्शक पहुंचे, लेकिन यकीन मानिए पूरा स्टेडियम नीले रंग में रंगा था और आज वाकई में भारतीय टीम ने इसी रंग से पूरे देश को भी रंग दिया। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम का आज हमारे गेंदबाजों ने वो हश्र किया है जो कभी साल 2021 के वर्ल्ड कप में उन्होंने हमारा किया था। उस बात को याद कर वो बहुत खुश होते थे, लेकिन आज के मैच की शुरुआत ही कुछ ऐसी थी कि आज की शुरुआत याद कर पाकिस्तानी हमेशा रोएंगे। अर्शदीप सिंह आते हैं और दोस्तों बैक टू बैक अपने दो ओवर्स में ना सिर्फ बाबर को आउट करते हैं बल्कि रिजवान को भी 4 रन पर अपना शिकार बनाते हैं। जब किसी टीम के सबसे दो बड़े बल्लेबाज एक युवा गेंदबाज के सामने 0 और 4 रन पर विकेट गंवा दे तो बाकी खिलाड़ियों की क्या हैसियत रह जाती है। लेकिन दोस्तों, फिर भी पाकिस्तान की टीम की तरफ से इफ्तिकार अहमद मैदान में सेट हो चुके थे, 50 जड़कर वो अपने आप को बहुत बड़ा खलीफा समझने लगे थे। लेकिन जब उनका सामना शमी से हुआ तो रोहित की चतुराई और शमी की गेंदबाजी का जादू का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा चला कि देखने वाले दंग रह गए। इफ्तिकार अहमद ने दोस्तों रनों की रफ्तार को खींचते हुए 34 गेंद में बड़े तरीके से 51 रन जड़ दिए थे। इनका विकेट भारतीय टीम को हर हाल में चाहिए था और तभी दोस्तों रोहित ने अपने त्रुप का इक्का फेंका शमी को ले आए। शमी की गेंदबाजी का खौफ इफ्तिकार अहमद की नजरों में साफ देखा जा सकता था। इस ओवर की पहली गेंद पर तो ये खिलाड़ी कुछ कर नहीं पाया, ऊपर से LBW आउट होते हुए बच गए। लेकिन हर बार मौका नहीं मिलता और इसी मुहावरे को शमी ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर साबित भी कर दिया। दोस्तों, रोहित शर्मा के साथ एक छोटे से डिस्कशन के बाद मोहम्मद शमी ने इफ्तिकार अहमद को इतनी खतरनाक गेंद डाली उनके पैरों में कि खेलना तो दूर, उसे वो टच करना भी जरूरी नहीं समझ पाए। दोस्तों, इस ओवर की दूसरी गेंद को शमी ने इतनी शानदार इनस्विंगर में तब्दील करा कि गेंद जाकर सीधा इफ्तिकार अहमद के पैर पर लगी। इससे पहले कि कोई फैसले के बारे में सोच भी पाता, अंपायर की उंगली खड़ी हो चुकी थी और इफ्तिकार अहमद को मुंह लटकाकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। दोस्तों, इस खिलाड़ी का विकेट सबसे बड़ा था, सबसे महत्वपूर्ण भी। इनका विकेट मिलते ही भारतीय क्रिकेट टीम में अलग ही जोश, अलग ही खुशी देखने को मिली। लेकिन आगे चलकर पांड्या ने दिवाली के इस पावन मौके पे इस खुशी को दोगुना भी कर दिया। UAE में तो खराब पिचों के दम पर बड़े चौड़े होते थे पाकिस्तान की टीम के शादाब खान और हैदर अली भी, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को एक ही ओवर में निपटा दिया आज हार्दिक पांड्या और शमी की रफ्तार ने। पांड्या की सटीक गेंदबाजी देख दोस्तों हर कोई दंग था और दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों को आउट करने के लिए आज हार्दिक पांड्या ने एक ही रणनीति का इस्तेमाल किया। दोनों को गुड लेंथ डिलीवरी डाली और दोनों ने लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट खेला जहां पर तैनात थे सूर्य कुमार यादव, और सूर्य कुमार यादव ने भारत का सूर्य उदय कराते हुए 2 शानदार कैच लपके और भारत को 2 बड़े विकेट दिलाने में अच्छी खासी मदद करी, योगदान भी दिया। दोस्तों, इस ओवर के बाद पाकिस्तानी टीम अपाहिज हो चुकी थी, उनके 100 रन भी नहीं थे और 5 विकेट गिर चुके थे। ये भारतीय क्रिकेट टीम की जीत नहीं तो और क्या थी। दोस्तों, गेंदबाजी से इतना मुंह तोड़ जवाब देना दर्शाता है कि रोहित की कप्तानी में कितना दम है और शमी और पांड्या में भी कितना दम है। इनकी गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, साथ ही रोहित की कप्तानी को भी, इसका जवाब तो नीचे दीजिएगा ही। साथ ही आप सभी को क्या लगता है, वर्ल्ड कप इस बार कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।